हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस आज हम बनाने वाले हैं स्पेशल चिकन। मतलब अगर आप थक चुके हो ये ग्रेवी वाला जो लाल मिर्च बहुत ज़्यादा भर भर के डालते हैं, स्पाइसी बनाते हैं वो वाला खा खा कर, या फिर काली मिर्च का वाला खा कर, तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। मतलब देखने में आप मत जाइए इसमें, बस एक बार ट्राई कीजिए कि ये चिकन का जो जायका है वो कैसा है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त बनने वाला है। इसके लिए हमने लिया है 500 ग्राम गोश्त, जिसमें हमने यहाँ बीच से कट लगा लिए थे, और साथ में 2 टेबल स्पून भर भर के दही ऐड किया है। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप अगर दही खट्टा है तो कम भर, मतलब क्वांटिटी को कम या बढ़ा सकते हो। साथ में मैंने यहाँ ली है 1 टी स्पून भर कर काली मिर्च, जिसको मैंने थोड़ा दरदरा सा पीस लिया है, मोटा मोटा, वो भी मैंने चिकन के साथ ऐड कर दिया, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे आधा घंटे तक मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 10 से 15 मिनट तक भी छोड़ सकते हो। तो मैंने यहाँ पर छोड़ा था इसको आधा घंटा मैरिनेट करने के लिए, और अब आधा घंटा हो गया है तो मैं यहाँ पर फटाफट से बस बनाने की चिकन तैयारी कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है 1 पतीली में मीडियम साइज का चम्मच कुकिंग ऑयल, और साथ में मैंने यहाँ लिया है 1 बड़ी प्याज, 7-8 हरी मिर्च, 4 से 5 तेज पत्ता, 7 लौंग। आपको करना ये है, इन सारी चीज़ों को साथ में ऑयल में ऐड करना है, 5 हरी इलायची, 2 बड़ी इलायची। अब हम इसको ऑयल गर्म हो जाने के बाद यहाँ ऐड कर देंगे। अच्छे से इसको हम सॉटे करेंगे। याद रखिएगा ये हमने रफली चॉप किया है प्याज, ना कि फाइन। और यहाँ मैंने लिए हैं 14 काजू, जिसको मैंने भिगो के रखा हुआ था। भिगोने से ये थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। काजू को जब मैंने चिकन मैरिनेट होने के लिए रखा था तो साथ में ही भिगो दिया था। आधा घंटा तक ये भीगे हैं। काजू इसलिए भिगो कर रखते हैं कि सॉफ्ट पड़ जाते हैं। मैंने यहाँ आधे गिलास से थोड़ा कम पानी ऐड किया है, पानी इसलिए जिससे कि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए प्याज वगैरह, मिर्च जो भी है। अब यहाँ हमने 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसको कुक किया, और निकाल कर हम इसमें से ये जो तेज पत्ता लौंग वगैरह निकाल लेंगे, और इसका हम पेस्ट बना लेंगे, एकदम फाइन पेस्ट। जो बचा हुआ ऑयल था उसमें हम चिकन को 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम पर कर लेंगे। चिकन ब्राउन नहीं करना है, और वैसे भी ये होगा भी नहीं क्योंकि हमने यहाँ दही ऐड किया हुआ था। तो इसे हम 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम पर कर लेंगे। और ये जो हमने काली मिर्च को दरदरा पीसा था, थोड़ी सी बचा ली थी, अब हम इसी में ही क्या करेंगे, ये जो प्याज, हरी मिर्च और थोड़े गरम मसाले यानी कि तेज पत्ता लौंग है, यहाँ से निकाल लेंगे। प्याज, हरी मिर्च, काजू, इस सब का हम पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा सा पानी यहाँ ऐड करना है और फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। इस तरह से आप ये देखिए एकदम क्रीमी सा पेस्ट बनकर तैयार हुआ है। तो चिकन भी यहाँ तल कर अच्छे से तैयार हो गया है। अब फटाफट से हम क्या करना है, ऑयल जो बचा हुआ है उसी में हमने ये प्याज, हरी मिर्च, काजू का पेस्ट ऐड कर देना है, और बाकी जो मिक्सर में हल्का सा लगा रह गया है तो उसमें थोड़ा पानी मिलाकर वो भी इसमें हम ऐड कर देंगे, और इसको हाई फ्लेम पर हम अच्छे से फटाफट से 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम पर ऐसे ही कुक करेंगे। आपको यहाँ ये तब तक कुक करना है जब तक कि थोड़ा गाढ़ापन ना आ जाए। तो यहाँ मैंने इसको 4 मिनट तक कुक किया था, जिसमें ये गाढ़ापन आ गया था। इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं, मतलब इसको बिल्कुल खुश्क नहीं करना है, पानी जलाना नहीं है, बस इस तरह से 4 मिनट तक आप हाई फ्लेम पर कुक करेंगे, और साथ में यहाँ ऐड कर देना है हमें चिकन। याद रखिएगा चिकन को बहुत ज़्यादा चलाना नहीं है, कहीं टूट ना जाए, मतलब हल्का फुल्का अगर टूट जाता है कोई बात नहीं, इसको ज़्यादा चलाएं नहीं। अब साथ में यहाँ हमने ऐड करनी है फ्रेश क्रीम, अगर आपके पास है तो वो डाल सकते हो, वरना फ्रेश मलाई, जो घर की मलाई होती है ना दूध के ऊपर से उतारी हुई, आप वो यहाँ ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ मलाई ऐड की है 1 टेबल स्पून के करीब, और उसके बाद अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है। इससे जो है टेस्ट बहुत ज़्यादा यम्मी, बहुत अच्छा आता है। तो गाइज याद रखिएगा, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो काली मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, या फिर हरी मिर्च की। आप अगर कम तीखा खाते हो तो जितना कि मैंने काली मिर्च 1 टीस्पून एंड 7-8 हरी मिर्च जितनी भी मैंने ऐड की थी आप उतना रखें। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। बस यहाँ रेड चिल्ली पाउडर नहीं ऐड करना है, इससे टेस्ट थोड़ा अजीब सा हो जाता है। उसके बाद करना क्या है, चिकन तो भाई रेडी हो गया है, तो मैंने यहाँ 1 टीस्पून देसी घी लिया, आप यहाँ बटर का भी यूज़ कर सकते हो। उसमें मैंने 4-5 हरी मिर्च जिसको बीच से काट दिया था, और इस तरह से हल्का सा फ्राई करके इसके ऊपर से ऐड कर दिया है। साथ में फ्रेश
हरा धनिया की जो डंडियाँ होती हैं, मतलब हमें हरा धनिया ऐड नहीं करना है सॉरी, और ना ही मेथी, कुछ लोग कसूरी मेथियाँ ऐड करते हैं तो मैंने वो ऐड नहीं किया है। यहाँ जिससे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर, ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, तो याद रखिएगा हरा धनिया की डंडियाँ हमें काट कर डालनी है बारीक बारीक। तो मैंने हरा धनिया की डंडियाँ यहाँ बारीक बारीक काट कर ऐड की हैं। तो चिकन बनकर यहाँ एकदम रेडी है। गाइस अगर आपको ये रेसिपी, ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में प्रेस कीजिएगा बेल आइकन लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।